जय श्री राम सभी को। अभी हम अपने गांव के ही नज़दीक एक पहाड़ है, उसी पे घूमने आए हैं। हमारे साथ दो भाई और लोग हैं, जो देखिए वहाँ पे हैं। काफ़ी समय से हम लोग अभी यहाँ पे, रविवार का आज था ना, तो सोचे कि आज थोड़ा घूम लिया जाए दोस्त लोग के साथ में। एक स्थान है यहीं पहाड़ पे ही, जहाँ पानी हमेशा रहता है, आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए आप लोग को वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पे इंसान या जानवर अपना प्यास बुझाते हैं। एक जानवर देखिए प्यास बुझा भी रहा है। ये एक ईश्वर का वरदान है जो हर तरफ पहाड़ है। देखिए हर तरफ पहाड़ है, चार तरफ, तीनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। एक तरफ जो है कि ये आपका समतल है, और जंगली जानवर भी जो भी हैं सब यहाँ पे अपना प्यास बुझा लेते हैं, और यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। चलिए अब आगे आपको राकेश जी से मिलाते हैं। जय श्री राम सभी को। तो आप यहाँ पे, हम लोग अपने गांव की तरफ से आए हुए हैं। गांव के बगल में ही हम लोग का पहाड़ है, जो कि यहाँ पे देखिए इसमें पानी कभी सूखता नहीं है, और पहाड़ के नीचे से जो है इसमें पानी दबते रहता है। यहाँ पे गाय भैंस आता है चरने, लोग तो इसमें पानी पीता है, और आदमी भी आते हैं इसमें, कपड़ा वपड़ा खींचते हैं और यहाँ पे नहाते वहाते हैं। और बरसात में तो पानी बढ़िया बहते रहता है, अभी थोड़ा सा कुछ कम हो गया है, लेकिन इसमें पानी रहता है। एक प्रकृति का एक अच्छा उपहार मान सकते हैं कि जो यहाँ पे पहाड़ के नीचे से निकलता है। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर अभी नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे भैया के मान लीजिए चैनल है, और चैनल को सपोर्ट करिए, और आगे भी इस तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। जैसे ज़्यादा नहीं क्या बोलिए, कुछ बोल सकते हैं। चलिए अब आप लोग को हम प्रवीण जी से मिलाते हैं, जो साथ में आज हमारे साथ में आए हुए हैं। देखिए वहाँ पे हैं, खड़े हैं, चलिए उनसे मिलाते हैं ना। जय श्री राम सभी को। जैसा कि आप दृश्य देख रहे हैं, ये ठीक हमारे ही गांव के हैं। जो आप इधर सुंदर सा वन देख रहे हैं, ये हमारे गांव का ही है। और ये जो आप नीचे में तालाब जैसा देख रहे हैं, ये एक मतलब गर्मी के मौसम में हो या फिर बारह महीना में, मतलब सब दिन इस जगह पे पानी रहता है, जिस पे आप या फिर मतलब कोई भी जीव जंतु ला के अपना प्यास बुझा सकते हैं।